क्या है मामला? देखिए, कल प्रिंट मीडिया के कुछ लोगों के माइंड में ये था कि इंदौर से कोटा के लिए कोई ट्रेन चलेगी और उसको निरस्त किया गया है। तो रेल प्रशासन की तरफ से इस तरह से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया था, और ना ही हमारे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट से या रतलाम मंडल से कोई भी न्यूज़ जारी हुई थी कि जिसमें कि इंदौर से कोटा के लिए कोई गाड़ी का परिचालन किया जाना था। जब परिचालन होना ही नहीं था तो उसका निरस्त होने का कारण मतलब ही नहीं बनता है। साथ में हमारे अभी तक जो 36 ट्रेन चल रही हैं उसमें कोटा के लिए कोई ट्रेन नहीं है। कोटा होते हुए ज़रूर ट्रेन जाती है, जो नई दिल्ली जाती है इंटरसिटी वो है, लेकिन कोटा के लिए कोई ट्रेन प्रस्तावित ही नहीं थी और ना ही उसका कोई निरस्तीकरण हुआ है। कहना के साथ जो खबर चली थी ये झूठी खबर कह सकते हैं इसको? देखिए, अब हर न्यूज़ चैनल्स या प्रिंट मीडिया अपने संस्था का मालिक होता है। अगर वो गलत खबर चलाता है तो उसकी जिम्मेदारी खुद की है, क्योंकि इमेज उसकी ख़राब होती है। क्योंकि रेल प्रशासन की तरफ से कोई भी विज्ञप्ति और कोई समाचार हमारी तरफ से जारी किया ही नहीं गया है, तो उसके बारे में हम कह पाना मुश्किल है, और कोई निरस्तीकरण बोल ही नहीं सकते हैं। तो ये संस्था जिसने भी ये न्यूज़ चलाई है वो उसके लिए जिम्मेदार है।